ये अपनी बढ़िया सी आलू परवल टमाटर की रसे वाली भी नहीं है, सूखी भी नहीं है, लुटपुट देसी भाषा में बोले तो बढ़िया सी सब्जी बन के रेडी है। इसको आप रोटी पूरी पराठा चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत बढ़िया लगेगी। तो बस रेगुलर बेस पे तो सिंपल मेथड से बनी सब्जी ही खानी चाहिए। तो ये अपनी सिंपल है बट हेल्दी टेस्टी डिलीशियस भी है। तो बस आप भी बनाएं खाएं खिलाएं एंजॉय करें। हैव अ नाइस डे। आज बनाएंगे आलू परवल टमाटर की बढ़िया सी सब्जी। तो जिसके लिए मैंने परवल को अच्छे से पहले धो लिया है और फिर इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है। ये आलू को धो के काट लिया है। ये टमाटर है, मिर्ची अदरक लहसुन तड़के में है, राई मेथी जीरा हाफ 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 टी स्पून है, मिर्ची और धनिया पाउडर है ये भी डेढ़ टी स्पून दोनों है, ये हाफ टी स्पून हींग और एक टी स्पून हल्दी, ये कुछ फ्रेश धनिया जाएगा, स्वाद अनुसार नमक। ये मैंने कढ़ाई में रख दिया है तेल और अब तेल हो गया है गरम, इसमें डाल देते हैं ये अपना तड़का राई मेथी जीरा का। ये परवल की सब्जी मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल तरीके से और हेल्दी और टेस्टी। रेगुलर बेस का खाना तो जितना सिंपल हो उतना ही बढ़िया है। अब अपने इसमें डाल देंगे ये मिर्ची अदरक लहसुन, इसके साथ साथ इसमें डाल देंगे आलू और आग को कर लेंगे थोड़ा फास्ट और इसको अब अपने अच्छे से मिक्स करके चलाएंगे। क्योंकि आलू धोने में थोड़ा टाइम भी लगता है और ऐसे पहले भी थोड़ा तेल में फ्राई हो जाता है तो आलू का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो ये गया अपना आलू, इसको कर दिया मिक्स। इसको 2 मिनट चलाने के बाद अब अपने इसमें डाल देंगे पहले तो ये हल्दी और हींग। हींग तड़के में डालने से जल जाती है, मैं हमेशा इस तरह से डालते हैं। और अब इसी स्टेज पे डाल देते हैं अपने ये परवल। ये गए अपने सारे परवल और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अच्छे से मिक्स करके हाथ हाथ से ही ढक के 3-4 मिनट के लिए होने देते हैं। सब्जी को खोल के देखते हैं, देखिए ये थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब इसी में ये डाल देते हैं टमाटर और इसी के साथ साथ डाल देंगे ये मिर्ची और धनिया और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक जब भी खाए कल भी खाए तो ये गया अपना नमक और इसको अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट इसको भी भूनते हैं पहले ताकि अपने मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें डाल देंगे अपने थोड़ा सा गरम पानी, तो मैंने गरम करके लिया है गरम पानी और इसको ढक के होने देते हैं। सब्जी को चेक करते हैं अपने, देखिए अच्छा सा बॉईल आना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से
मिक्स करके स्लो आंच पे जब तक ये प्रॉपर कुक नहीं हो जाता तब तक इसको होने देते हैं। अब अपने सब्जी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने लगभग 5-7 मिनट एकदम स्लो आंच पे पकाया था। ये एक आलू भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए बढ़िया से गल गया है, परवल भी बढ़िया से गल गया है। अब इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हरी धनिया और ये रेडी टू सर्व। ये अपनी सब्जी पे डालेंगे अब कुछ फ्रेश धनिया। तो ये गया अपना बढ़िया सा धनिया। तो ये अपनी आलू परवल टमाटर की बढ़िया सी सिंपल बट हेल्दी एंड टेस्टी सब्जी बनके तैयार है, जिसको मैंने ज़्यादा रसे वाली नहीं बनाया है, ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा रसा है, बस लुटपुट, देसी भाषा में बोले तो लुटपुट सब्जी बनी है अपनी बढ़िया सी सब्जी। इसको आप रोटी पूरी पराठा चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत बढ़िया लगती है। तो बस रेगुलर डाइट में तो इसी तरह से सिंपल हेल्दी टेस्टी सब्जी दाल खाते रहना चाहिए। तो तैयार है अपनी बढ़िया सी आलू परवल टमाटर की सब्जी, बनाए खाएं खिलाएं। हैव अ नाइस डे। मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।